हेलो गाइस, वेलकम टू प्रणाज रेसिपी ट्री। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही टेस्टी झटपट बनने वाले, जिसे कि आप स्टोर करके 1 से 2 साल तक रख सकते हैं, ऐसे टेस्टी से साबुदाना आलू की चाकुली, जो कि खाने में बहुत टेस्टी है और बनने में बहुत ज़्यादा इजी। तो हमने इसके लिए ले लिया है 1 किलो साबुदाना, जिसे कि हमने 2 से 3 बार साफ धो लिया था, और धो करके हमने इसमें जितना साबुदाना लिया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी लेकर के हमने उसे अच्छे से बॉईल कर लिया और गर्म पानी को हमने साबुदाने में डाल दिया। और देखिए जो हमारा साबुदाना है, जिसे कि हमने 7 से 8 घंटे तक भिगो दिया था, और कितने अच्छे से फूल चुका है। साबुदाने में गर्म पानी डालने से क्या होता है ना कि जो हमारी चकली है बहुत ही बढ़िया बनती है, एकदम क्रिस्पी बनती है, और जो साबुदाना है ये भी अच्छे से भीग जाता है। तो आप कोशिश करिए कि जो साबुदाना भीगा है तो आप उसमें गर्म पानी डालिए। देखिए हमारा जो साबुदाना है, हमने 1 किलो साबुदाना लिया था, जो कि अब फुल करके दुगुना हो गया है। साथ ही हमने ले लिया है 2 किलो आलू। ये हमने छोटे वाले आलू लिए हैं, आप कोई भी आलू ले सकते हैं। तो हमने ले लिया है 2 किलो आलू। 1 किलो साबुदाना के लिए हम लेंगे 2 किलो आलू। तो बनाते हैं टेस्टी सी आलू और साबुदाने की चाकुली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे आलू है इसको हम अच्छे से धो करके कुकर में डाल करके इसे 3 से 4 सीटी आने तक अच्छे से बॉईल कर लेंगे, और उसे बॉईल करने के बाद छील लेंगे और छील करके इसे कद्दूकस कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आलू को हमने कद्दूकस की सहायता से कद्दूकस कर लिया है। इसका जो थोड़ा जो पतला वाला भाग है उससे हमने इसे कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो आलू को मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैश करने से क्या होता है ना कि जब हम उसे चकली बनाते हैं उसकी, तो बहुत बार वो सांचे में फंस जाती है। इसलिए आप कोशिश करिए कि आलू को जब वो हल्के से गुनगुने रहे उसी समय आप उसे कद्दूकस कर लीजिए। तो हमारे आलू कद्दूकस करके तैयार है। देखिए जो हमारा साबुदाना है ये भी काफ़ी अच्छे तरह से फूल चुका है। इसमें हमने गर्म पानी डाला था, जिसके कारण ये काफ़ी अच्छे से पक भी चुका है और ये काफ़ी अच्छे से पक फूल चुका है। तो आप जब भी आप चाकली बनाएं तो आप मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा। ऐसे चाकोली होती है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम खुशखुशित बनती है। देखिए हमारा साबुदाना अच्छे से भीग चुका है। तो अब हम इसे डाल देंगे जो हमने कद्दूकस किया था आलू को उसमें। देखिए साबुदानों को इसमें अच्छे से डाल दिया है। अब हम इस पर डालेंगे कुछ मसाले। तो करीबन हमने 10 से 12 हरी मिर्च ले लिए, जिसे कि हमने मिक्सी में पीस लिया है। तो इसमें हमने डाल दी है बारीक कुटी हुई मिर्ची, हरी मिर्च। आप हरी मिर्च के बदले लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि इससे इसका जो कलर है लाल मिर्च के कारण थोड़ा सा उसका लाल सर आता है, और हरी मिर्च से इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और इसका कलर भी बहुत बढ़िया आता है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर ना ऑप्शनल है, इससे थोड़ा सा कलर डाउन होता है, लेकिन इसका जो टेस्ट है चकली का बहुत ही बढ़िया आता है। जो काली मिर्च और जो हरी मिर्च का टेस्ट है चाकुली में बहुत बढ़िया आता है। और साथ ही इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अगर आप उपास का नमक खाते हैं तो आप इसमें उपास का नमक डालिए। और इस सारी सामग्री को अच्छे से हाथ से मसलते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसे दबाते हुए मैश करेंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं और जो हमारे आलू और साबुदाना है अच्छे से मिक्स हो जाए। सारी सामग्री को मिक्स करने के बाद आप उसे एक बार टेस्ट करके जरूर देख लीजिए। हो सकता है कि उसमें नमक की मात्रा थोड़ा कम हो, तो आप उसमें नमक की मात्रा थोड़ा बढ़ा सकती है। अगर आप इसमें जीरा खार डालना चाहते हैं तो आप इसमें जीरा या फिर हरा धनिया भी बारीक काट करके डाल सकती हैं। तो इन सारी सामग्री को अच्छे से आप मिक्स कर लेते हैं। देखिए चकली की सारी सामग्री को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन जब मैंने इसे टेस्ट किया तो इसमें थोड़ा सा नमक की मात्रा मुझे कम लग रही है। तो उसमें 1 चम्मच नमक और डाल देते हैं और उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इसके बदले इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकती है, लेकिन हरी मिर्च और जो काली मिर्च है इसका जो फ्लेवर है चकली में बहुत उभर करके आता है, तो आप उसे ज़रूर डालिए।
एक बार इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने थोड़ा सा नमक डाल करके सारे चकली के मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लिया है और चकली का मिश्रण बनके तैयार है। हमने इसमें एक बूंद भी तेल का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि जिससे क्या होता है कि हमारी जो चकली है साल भर से भी ज़्यादा सुरक्षित रहती है और उसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आता है। तो हमारे चकली का मिश्रण बिल्कुल तैयार है। अब हम बनाते हैं इसके साबुदाना आलू की चकली। देखिए, हमारे आलू साबुदाने की चकली का मिश्रण बनके बिल्कुल तैयार है। हमने ले लिया है चकली बनाने का साँचा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप साँचा ले सकती है। तो जो जिससे हम चकली बनाते हैं वाला जाली ले लिया हमने, इसको इसमें डाल देंगे और डाल देंगे इसमें हम जो हमारा मिश्रण तैयार वाला, इसको अच्छे से इसमें फिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा दबाते हुए फिल करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर ना रहे और चकली बनाते समय वो टूटे नहीं। तो इसको चम्मच की सहायता से थोड़ा सा हम इसे प्रेस कर देंगे। देखिए, हमने मिश्रण को सांचे में भर के तैयार कर लिया है और ले ली हमने एक प्लास्टिक की शीट बिछा ली है। अब इसके ऊपर हम अपने मन चाहे आकार की चकली बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हम अपनी सारी चकली बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने आलू साबुदाने की सारी चाकोली बना करके तैयार कर ली है। देखिए कितनी सारी चाकोली बनी है। अब हम इसे 2 से 3 दिन तक तेज़ धूप में सूखने देंगे, जब तक ये अच्छे से सूख नहीं जाती।